अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है तो भी हमने क्या क्या है। आपने गलती करी है, कृपया अपनी सारी कमाई अपने बच्चों पर ना लगाएं। Have some retirement plans in place. If there is one movie that has proved how nalayak Indian kids are, it's Baagban. देश के बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान सबने मूवी जरूर देखी है। मूवी है राज मल्होत्रा और उनकी धर्म पत्नी पूजा के बारे में, who have sacrificed everything so that their four sons can have a good life. But when Mr. Malhotra retires, his selfish sons start treating their parents like shit. देखो वैसे कहने को तो जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, पर ये साली मूवी अभी तक नहीं बदली। इसको आज भी अगर अपने माँ बाप के साथ देख लो ना, तो आपको ऐसे देखेंगे कि आप उन्हें सच में घर से बाहर निकाल दोगे। और फिर उनका यही टिपिकल डायलॉग, क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है, इसी दिन के लिए मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि हेलो प्रॉपर्टी पे आपका नाम है, कैसे घर से बाहर निकाल दूंगा। नॉट दैट मैं निकालना चाहता हूँ, बट यू गेट द पॉइंट। ऊपर से 6 महीने के लॉकडाउन में सब साथ रह रहे हैं, साथ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं, तो वॉचिंग बागबान वॉज नॉट रियली द बेस्ट डिसीजन। देख के मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस मूवी ने मेरी जिंदगी कितनी बर्बाद करी है। इसने सिंगल हैंडेडली एक पूरे जनरेशन पे कलंक लगाया है कि अगर अमिताभ बच्चन जैसे बाप के साथ ये हो सकता है तो हमारा क्या होगा। हम तो इसे अपना घर समझ कर आए थे, पर तुमने अपनी माँ को मेहमानी बना दिया। जब भी ये मूवी चलती थी ऐसा लगता था घर में मातम छा गया, सब अलग अलग कोने में बैठ के रो रहे थे, जबकि घर से बाहर निकालने की धमकी हमें दी जाती थी। मूवी में इनका एक सॉर्ट ऑफ फॉस्टर चाइल्ड है, प्लेड बाय सलमान खान। ही इज मोर संस्कारी एंड आदर्शवादी देन आलोक नाथ, सो मच सो दैट हिज नेम इन द मूवी इज आल्सो आलोक। सलमान इज सच अ काइंड सोल, आई मीन हिज कैरेक्टर इज सच अ काइंड सोल कि जब भी वो स्क्रीन पे आता था मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे देखते थे कि ओ भाई क्या किया क्या तूने आज तक हमारे लिए। मेरे पेरेंट्स को मुझसे कोई मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, पर ये मूवी देखने के बाद उन्होंने मुझसे अननेसेसरली उम्मीदें लगा ली थी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। मिस्टर मल्होत्रा के सगे बच्चे इतने घसेड़ू थे कि वो अपने बाप का चश्मा रिपेयर तक नहीं करवा सकते थे। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा, वो क्या ना महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है। होप यू अंडरस्टैंड डैड। नो आई डोंट अंडरस्टैंड। ये सीन देख के मुझे खुद इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने बोला बचपन में 2-3 थप्पड़ लगाए होते ना तो ऐसी नौबत नहीं आई होती। नाउ माय डैड टुक दैट कमेंट वेरी सीरियसली और फिर उन्होंने मुझे इतना मारा। बट चलो पेरेंट्स एंगल भी छोड़ो, तो इस मूवी ने बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी फॉर लाइफ इन जनरल। इसने हमें ये बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैन लास्ट वेरी स्मूथली। नाउ आई डोंट मीन टू बी अ पेसिमिस्ट हियर, बट अगर आप किसी सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस कपल को जानते हो तो प्लीज उनकी फोटो खींच लेना, ये प्राणी बहुत ही अनोखे होते हैं। स्पीकिंग ऑफ लव, इट ऑल्सो टॉट अस दैट लव कैन लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज इटर्निटी, एंड एज अ टीनेजर मुझे इस बात से काफी धोखा लगा था। इसने हमें ये भी बताया कि अगर कोई लड़का आपको क्लब में हैरेस कर रहा है तो आपकी दादी आपको बचाने आएगी। नाउ टू ऑल द यंग गर्ल्स वॉचिंग दिस, प्लीज ऐसी उम्मीदें ना रखें एंड लर्न टू फाइट फॉर योरसेल्फ्स, ये दुनिया बहुत जालिम है। बट ऑल जोक्स अपार्ट, दिस मूवी ऑल्सो गेव अस अ लॉट ऑफ लाइफ लेसंस। लेसन नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है तो भी हमने क्या क्या है। आपने गलती करी है, कृपया अपनी सारी कमाई अपने बच्चों पर ना लगाएं। हैव सम रिटायरमेंट प्लान्स इन प्लेस, हैव सम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। हमारे पेरेंट्स कितने भी कंजूस हो बट दे ऑलवेज स्पेंड अ बॉम्ब ऑन आवर एजुकेशन, और पता नहीं क्यों वो अपनी सारी कमाई हमारी शादी के लिए बचा के बैठे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ साथ अपना खुद का फ्यूचर भी सिक्योर करें, क्योंकि सबकी जिंदगी में आलोक नाम का फरिश्ता या फिर एक रैंडम बेस्ट सेलिंग बुक नहीं होती। दूसरा लेसन, डोंट बी अनोइंग सेल्फिश औलादस। ये लेसन हमने भले ही बहुत सारे टोन से सीखा हो बट इट डज होल्ड ट्रू। You have to treat your parents with respect at all costs. You owe everything to them and you're here only because of them. The movie also teaches us that it's okay to be cutesy and mushy no matter how old you are. You can sing sad songs in a call inside a phone booth. You can call each other cheesy names. You can do anything that keeps your relationship alive. Relationship ke koi set rules nahi hote. Kyun aapko hum par bharosa hai? Khud se zyada. Humse pyar hai? Tumse zyada. And the last most important lesson, कुत्ते इंसान से better होते हैं। मतलब even after leaving the dogs for all this while, the dogs greet the couple with more love than the kids ever could. Dogs truly are loyal and maybe we should all consider raising dogs instead of humans. All in all, चाहे movie आपको पसंद हो या नहीं, it's now a cult classic that every single person has watched. देखा जाए तो ये सिर्फ ICICI Bank और Ford की एक big budget ad है, पर ad बनाने के चक्कर में इसने हमारे grandparents को रुलाया है, हमारे parents को entertain किया है,
और हमारा बचपन बर्बाद किया है। बट इवन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दैट मीन समथिंग। तो अगर आपकी जिंदगी में दुख दर्द कम है देन रीवॉच दिस टियर जर्कर कॉल्ड बागबान टुडे एंड फॉर मोर सच रैंडम फैंडम वीडियोस ऑन मूवीज कीप वॉचिंग इंडिया रैंक्स।